بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه حضور پاک अकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक कुछ अहादीस बयान की जाएंगी। अभी जो हदीस पढ़ी गई है ये हज़रत जुबैर इब्न मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की गई है। काला हज़रत जुबैर इब्न मुतअम सहाबी हैं, फरमाते हैं समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने सुना नबी अलैहिस्सलाम से जो फरमा रहे थे इन्नली अस्मान, के मेरे कुछ नाम हैं, हर एक नाम के अंदर एक ख़ास माना और मफहूम है। अना मुहम्मद, मैं मुहम्मद हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का ये पैदाइशी नाम था मुहम्मद, जिसका माना है तारीफ़ किया हुआ, जिसकी तारीफ़ की गई हो। और फरमाया व अना अहमद, और मैं ही अहमद हूँ। अहमद भी नबी अलैहिस्सलाम के नामों में से एक नाम है। क़ुरान में भी दोनों नाम ज़िक्र हुए हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क़ुरान में चार मरतबा मुहम्मद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ नहीं सिवाय रसूल के। और एक आयत में फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी नरीना के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीन हैं। और सूरह मुहम्मद 26वें पारे में नबी अलैहिस्सलाम के नाम की सूरत है, उसमें मुहम्मद का नाम ज़िक्र हुआ है। इसी तरह अहमद नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी थी, व मुबशिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देने वाला हूँ ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम मुहम्मद भी हैं और अहमद भी हैं। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि ये कादियानी जो आजकल अपने आप को अहमदी लिखते हैं, अहमदी फ़िरका, बाज़ हमारे नासमझ मुसलमान भी इनको अहमदी कहते हैं, ये सही नहीं है। अहमदी तो अहमद की तरफ निस्बत है, नबी अलैहिस्सलाम है वो, तो इनका नबी अलैहिस्सलाम से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। तो ग़ुलाम अहमद के मानने वाले हैं, ग़ुलाम वो अहमद नहीं है, वो ग़ुलाम अहमद है। अहमद और ग़ुलाम अहमद में बहुत फ़र्क है। तो ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए अपने आप को अहमदी कहते हैं। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम इन्हें अहमदी ना कहें। अहमदी तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत होती है, और नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। हाँ, इनको कादियानी कहें, मिर्ज़ाई कहें, कादियानी, मिर्ज़ाई। कादियानी इसलिए कहा जाता है कि कादियान हिंदुस्तान में एक इलाका है जहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पैदा हुए थे, और अपनी निस्बत उस तरफ कहते हैं कि ये कादियान बहुत मुबारक जगह है,
इसलिए इनके मानने वालों को कादियानी कहा जाता है, और मिर्ज़ाई इसलिए कहा जाता है कि उसके नाम के साथ मिर्ज़ा लगा होता है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। मिर्ज़ा, मिर्ज़ा तो वैसे कौम है, मुसलमानों में भी मिर्ज़ा होते हैं, हर मिर्ज़ा मिर्ज़ाई नहीं होता, लेकिन मिर्ज़ाई जब नस्बत के साथ ज़िक्र किया जाए तो अब ये इस ख़ास अक़ीदे वालों को कहा जाता है जो ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन को खुदा नऊज़ु बिल्लाह नबी मानते हैं, उनके लिए मिर्ज़ाई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वैसे मिर्ज़ा लफ्ज़ किसी के साथ, जैसे मिर्ज़ा असलम बैग या मिर्ज़ा फलान, मिर्ज़ा पंजाब में वो इस नाम के लोग बहुत होते हैं, पंजाब में, कश्मीर में, तो बाकी बाज़ इलाक़ों में, तो हर मिर्ज़ा मिर्ज़ाई नहीं होता, लेकिन मिर्ज़ाई जब ये नस्बत के साथ ज़िक्र किया जाता है कि फ़लाँ मिर्ज़ाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो कादियानी अकीदे वाला है, ताल्लुक़ इसका उस अकीदे से है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अना मुहम्मद, मैं मुहम्मद हूँ, व अना अहमद, मैं अहमद हूँ, व अनल माही, और मैं माही हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के नामों में से एक नाम है, अरबी का लफ्ज़ है माही, इसका ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने माना ज़िक्र किया, अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र। माही महव से है, महव मिटाने को कहते हैं, महव मिटा दिया, महव कर दिया, माही का माना मिटाने वाला। अब नबी अलैहिस्सलाम को माही क्यों कहा जाता है, तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, यानी वो नबी कि अल्लाह पाक ने मेरी वजह से, मेरे ज़रिए से कुफर को मिटा दिया, क्योंकि कुफर का जो गलबा था पूरी दुनिया में, बुतपरस्ती थी, कुफर था, अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से दुनिया में तौहीद को आम कर दिया, तो कुफर का गलबा टूट गया, तो गोया कि कुफर मिट गया, और हिजाज से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। क़यामत तक के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर यहाँ कुफर और शिर्क नहीं आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की ये सिफत माही इसलिए है कि इसके ज़रिए से कुफर मिट गया। व अनल हाशिर, और फरमाया कि मैं हाशिर हूँ। हाशिर का लफ्ज़ी माना होता है जमा करने वाला, हशर, मैदान हशर, क्योंकि हशर के मैदान में सब दुनिया के इंसान इकट्ठे हो जाएंगे, उनको जमा किया जाएगा। अल्लज़ी युहशरु नास अला क़दमैया, नबी अलैहिस्सलाम ने हाशिर का मतलब ये बयान किया, फरमाया कि अल्लज़ी युहशरु नास, के वो पैगंबर, वो ज़ात, युहशरु नास अला क़दमिया, के लोगों को महशर में मेरे कदमों पर जमा किया जाएगा, यानी मेरे झंडे के नीचे, क्योंकि महशर में नबी अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर होंगे कि जिनकी आवाज़ सुनी जाएगी, जिसकी शफ़ात कबूल की जाएगी। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हाशिर हूँ, और फिर फरमाया व अनल आक़िब, और मैं आक़िब हूँ। आक़िब का माना बयान फरमाया कि वल आक़िब अल्लज़ी लैसा बादहू नबीयुन, आक़िब उसे कहते हैं कि जिसके बाद कोई नबी ना हो, यानी सबसे आखिर में आने वाला, आक़िब आखिर में आने वाला। तो चूँकि नबी अलैहिस्सलाम सिलसिले नबूवत में सबसे आखिर में दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को आक़िब कहा जाता है, और अकीदे ख़त्म नबूवत ईमान के बुनियादी अकायद में से है। बहुत सारी अहादीसें इस पर दलालत करती हैं, क़ुरान की आयात से साबित है, पूरी उम्मत का इस पर इजमा इत्तेफाक है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक के लिए कोई नबी नहीं आएगा, और अगर किसी ने दावा किया तो वो झूठा होगा। ऐसे लोग पैदा होंगे जो नबूवत के दावे करेंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि मेरे बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा, धोखाबाज होगा, झूठा धोखाबाज होगा, दज्जाल माना धोखाबाज, वो धोखा देने वाला होगा, क्योंकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जो सिफ़ात जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है उम्मत को बयान की है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करना, नबी अलैहिस्सलाम की मकाम और मर्तबे को बयान करना किसी भी वक़्त किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और जहां नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत
बयान की जा रही, यकीनन ये मुबारक मजलिसें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये लोगों ने एक मशहूर कर दिया है कि बस रबीउल अव्वल जूँ आता है तो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बातचीत शुरू हो जाती है, वैसे 11 महीनों में इसका कोई तज़किरा ही नहीं होता, ये बात सही नहीं है। क्योंकि इस्लाम में किसी ख़ास दिन को मनाना ये इस्लाम में है ही नहीं। ये अब जो रबीउल अव्वल के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की जश्न आमद और क्या क्या बड़े बड़े बैनर और इश्तहार लगे होते हैं और बहुत इसको चर्चा इसका किया जाता है, ये इस्लामी तालीमात नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो सहाबा किराम करते, नबी अलैहिस्सलाम इसकी तरगीब देते। सहाबा किराम सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, हकीकी मोहब्बत करने वाले थे। और फिर उम्मत मुस्लिमा बड़े बड़े फुकहा मुज्तहिदीन किसी ने भी न इन बातों का ज़िक्र किया है न उनके ज़माने में ऐसी कोई बातें थी। ये बाद में बाज़ अहले बिदात जिन्होंने दीन में नई नई बातें पैदा की हैं उन्होंने इस चीज़ को जो है एक शोशा, फिर इस पर ईद का नाम रखना, ईद मिलादुन्नबी। इस्लाम में तो सिर्फ दो ही ईदें हैं बस, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। उसके अलावा किसी दिन को ईद के तौर पर मनाना ये अपनी तरफ से दीन में इजाफे करने वाली बात है, दीन में नहीं है। दीन के नाम पर उसको करोगे तो बिदअत शुमार होगी। लिहाजा हमें इन जो गैर शरी रसूम और रिवाज हैं इनसे अपने आप को बचाना चाहिए और बिदात से अपने आप को बचाना चाहिए। जो शरी तरीक़े के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में हो, वक्तन फवक्तन मौका महल की मुनासिब से हम अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपनी महाफिल में नबी अलैहिस्सलाम के तस्करे करें, नबी अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करें, उनका ख़ातमुन्नबीन होना बयान करें, उनका आखिरी नबी होना बयान करें, उनकी तालीमात का बार बार ज़िक्र करें ताकि हम उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने वाले बन जाएं। जो नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा वो कामयाब होगा, अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी होगा। और जो नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करेगा, नबी अलैहिस्सलाम के इत्तेबा से इन्हिराफ करेगा, तो चाहे कितना ही अपने आप को आशिक रसूल ज़बान से कहे, ज़बान से कहने से कोई आशिक रसूल नहीं बनता। आशिक रसूल वही होगा जिसके दिल में इश्क होगा, मोहब्बत होगी, वो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तेबा को हिर्ज़े जान बनाएगा, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा। कोशिश तो करनी है ना, इंसान कोशिश करता है फिर कोताही इंसान से हो जाती हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश होनी चाहिए, आज़म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए कि हमने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, नबी अलैहिस्सलाम के मिशन को बढ़ाना है, नबी अलैहिस्सलाम के दीन को गालिब करना है, नबी अलैहिस्सलाम की दीन की नशर व इशाअत करनी है और तमाम बिदआत से, गुनाहों से, खिलाफ शरा उमूर से इनसे अपने आप को बचाना है। अल्लाह पाक हम और आपकी हिफाजत फरमाए, कुरान और सुन्नत की इत्तेबा नसीब फरमाए और शरीयत के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना आसान फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।